जनता दरबार तो नहीं लग रही है, फिर भी आपके पास काफ़ी संख्या में भीड़ है। देखिए, लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पर अपनी समस्याएं लेने के लिए, उनके लिए बहुत एक आशा रहती है कि हम जिला पदाधिकारी से मिल सके, अपनी समस्याओं को रख सकें, तो शायद हमारा उनका समाधान होगा या संबंधित पदाधिकारी तक यह पहुँच सकता है। जब अब जनता दरबार का प्रचलन बंद हो चुका है और इसमें अब हम लोग का लोक शिकायत आ चुका है, उसके बावजूद मेरा प्रयास रहता है कि जो लोग दूर दराज से आए हैं उनसे मैं मिल सकूं और संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्ट कर सकूं कि उनके द्वारा जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए, नियमानुकूल जो भी एड्रेस किया जाए। मैक्सिमम केसेस अब हम लोग पा रहे हैं कि जो लोक शिकायत निवारण में हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं, तो इमीडिएटली जो भी हमारे सामने लोग आते हैं उनको मैं यहाँ पे, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल लोक शिकायत होता तो इमीडिएटली यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल लोक शिकायत में उनको केसेस भेज दिया जाता है, अनुमंडल है तो अनुमंडल भेज दिया जाता है। कुछ जनरल केसेस होते हैं जिसमें कि केवल संबंधित ब्लॉक या संबंधित अभियंता को बोलने से काम हो जाता है, तो हम लोग का प्रयास है वहाँ भेजेगा। बट इसके बावजूद कुछ ऐसे केसेस रह जाएंगे जिसमें लोगों का पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको कन्विंस कर सकें। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि पहले प्रयास आप करें कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं जिस भी लेवल पे हैं, चाहे अनुमंडल हैं या प्रखंड स्तर के हैं, उन तक अपनी बात रखने का, और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश तो जरूर जिला पदाधिकारी सामने रखिएगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके परिवार या आपके इश्यूज़ का निराकरण। थाने पर कंट्रोल शायद सरकार की कम है या कुछ वजह है, बहुत सारे कंप्लेंस थानों के खिलाफ है। देखिए, थाने के खिलाफ अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट होता है तो लोक शिकायत में उसको किया जा सकता है, लोक शिकायत में माननीय प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा भी इस पर सुनवाई की जाती है और जिला लोक शिकायत लेवल पे भी इसकी सुनवाई की जा सकती है। और SSP गया काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही है पिछले 2 वर्ष, उनके 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 संज्ञान में भी लाया जाएगा, तो जरूर पे वो कार्रवाई करेंगे।